हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6 एंड और ग्रुप के अवयव की कोटि के बारे में, उनकी पूर्णांक घात के बारे में, इंटीग्रल पावर के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल है इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है, यदि किसी ग्रुप जी में तीन कर्मागत पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे एक बार बता देता हूँ कि n, जैसे 1, 2, 3, बिकॉज इनके बीच में कोई गैप नहीं है, नंबर्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये किस में कर्मागत है, इन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद वाला नेचुरल नंबर ये है, इसके बाद वाला नेचुरल नंबर ये है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई नंबर गायब नहीं हो रहा है, तो इनको बोलते हैं कर्मागत। जैसे n, n के बाद का नंबर क्या आएगा, n+1। ठीक है, ठीक उसके बाद वाला नंबर n+2, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्मागत। क्या बोलते हैं, कर्मागत संख्या। ठीक है, इनको बोलते हैं कर्मागत संख्याएं। तो ये कर्मागत इन संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, किसी ग्रुप जी में तीन कर्मागत पूर्णांकों एन के लिए ए बी की होल पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल ए पी बिलोंग्स टू जी। तो अपने को सिद्ध करना है जी एक एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, का सॉल्यूशन देखते हैं। माना यहां पे दिया हुआ क्या है, जी ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ऑलरेडी है। माना ए बी ग्रुप, ए बी ग्रुप जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, माना ए बी ग्रुप जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, तो तीन कर्मागत, तो तीन कर्मागत पूर्णांकों एन, n+1, n+2 के लिए ए बी की होल पावर एन, ये किसके लिए हो रहा है, एन के लिए कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये तो अपन ले ही रखे हैं ना जी से, कोई दो स्वेच्छ अवयव वो तो ऊपर मान लिए, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है समीकरण एक। ऐसे ही ए बी एन प्लस वन बराबर ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन। समीकरण दो, ए बी एन प्लस टू बराबर ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन प्लस टू, ये हो गया समीकरण तीन। ठीक है, तो देखते हैं
तो ठीक है, ये तीन समीकरण बन गए, ये हो गए तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए, n, n प्लस वन और n प्लस टू से, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि a p की होल पावर n बराबर क्या होता है, an bn। ठीक है, तो उससे अपने को क्या प्रूफ करना था, एबेलियन ग्रुप। तो ये दिया हुआ है, जी ग्रुप दिया हुआ है और ये तीन कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, अब अपन समीकरण तीन से लेते हैं। समीकरण तीन से ए बी की होल पावर एन प्लस टू बराबर ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन प्लस टू। ठीक है, यहां से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए बी की एन प्लस वन ए बी, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ऐसे ही सिमिलरली इसको भी थोड़ा सेट करना है, ए की पावर एन प्लस वन और ए। ठीक है, ये इंटू नहीं है, ये कोई संक्रिया है। ठीक है, या तो लिखो मत, ऐसे ही बी की पावर एन प्लस वन और बी, ये बी एन प्लस टू हो जाएगा, ये एन ए की पावर एन प्लस टू हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, इसको अपन खोलेंगे ए की पावर समीकरण दो से, इसको अपन समीकरण दो से खोल देंगे, ए की होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ऐसे ही ए बी ये आ गया, ए एन प्लस वन ए और बी एन प्लस वन, और सॉरी बी भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आ गया ये समीकरण दो से। ठीक है, समीकरण दो से ऐसे ही मैं यहाँ पे सहचर्य गुणधर्म लगाऊंगा, सहचर्य गुणधर्म। ठीक है, तो लगा रहा हूँ ए की पावर एन प्लस वन और ब्रैकेट को इधर लगा देंगे, तो बी की पावर एन प्लस वन और ए बी। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे ही, ए की पावर एन प्लस वन इधर भी और ए बी की पावर एन प्लस वन और बी। ठीक है, बाय एसोसिएटिविटी। यानी सहचार्य गुणधर्म से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, वाम निरसन नियम से ए की पावर एन प्लस वन दोनों तरफ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आप ये समीकरण दो, एक दो तीन याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। यहां से क्या जाएगा, बी की पावर एन प्लस वन ए बी बराबर क्या जाएगा, ए की पावर ए
बी की पावर एन प्लस वन बी, क्या आ गया, क्या हट गया, ए की पावर एन प्लस वन दोनों साइड से हट गया, ये केस से बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये इससे वाम निरसन नियम लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ए की पावर एन से दोनों तरफ पूर्व संक्रिया लगाने पर बी की पावर एन प्लस वन ए बी, ऐसे ही ए की पावर एन ए बी की पावर एन प्लस वन और बी, ये ए की पावर एन से दोनों तरफ पूर्व, क्या पूर्व संक्रिया लगाने पर, ठीक है, यहां से सहचार्य गुणधर्म से नहीं, ये इससे पहले अपन एक चीज और करेंगे, ये तो हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, मैं राइट कैंसिलेशन लॉ और लगाता हूँ यहाँ पे, बी एन प्लस वन ठीक है और ए, ये बी को मैंने बाहर कर दिया सहचारी गुणधर्म से, ए बी की पावर एन प्लस वन और बी बाई एसोसिएटिविटी, ठीक है, ऐसे ही बी एन प्लस वन ए, ठीक है, बराबर ए बी एन प्लस वन, क्या हो गया, यहाँ से बी दोनों तरफ से चला गया, बिकॉज यहाँ पे अपन दक्षिण निरसन नियम लगा रहे हैं, ठीक है, राइट कैंसिलेशन लो बाई राइट कैंसिलेशन लो, ठीक है। अब करेंगे ए की पावर एन से दोनों तरफ पूर्व संक्रिया लगा दिए, ए की पावर एन ए और बी की पावर एन प्लस वन, ठीक है, ए की पावर एन से दोनों तरफ पूर्व संक्रिया लगाने पर, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बाय एसोसिएटिविटी ए की पावर एन, ठीक है, और बी की पावर, मैं बी को भी यहाँ से खोल दे रहा हूँ, बी का क्या कर दे रहा हूँ, एन और बी, ठीक है, और ए, और बाय एसोसिएटिविटी ब्रैकेट लगा दिया इधर। यहाँ पे करना क्या चाहिए था मुझे, सबसे पहले तो जैसे ए की पावर एन, सबसे पहले तो उसको खोलना चाहिए था इस टाइप से, ठीक है, ये क्या है बी की पावर एन प्लस वन को खोल दिया, फिर लगाता इधर ब्रैकेट, ठीक है, ये यहाँ का हटा के और इधर लगा देता ब्रैकेट, लेकिन मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है।
तो यहां लगाए और इधर a की पावर n और a, ठीक है, ये ब्रैकेट इधर लगा दिए और b की पावर n प्लस 1 बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, ऐसे ही यहां से ये हो जाएगा समीकरण एक से। समीकरण एक क्या था, ए बी की होल पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन, ये था समीकरण एक जो मिटा दिया गया। तो यहाँ से इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, ए बी की होल पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी की होल पावर एन, ठीक है, और बी ए, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 1 और बी एन प्लस 1, ठीक है, समीकरण एक से। ठीक है, ऐसे ही वापस क्या करेंगे, ए बी की होल पावर एन और बी ए बराबर, यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण दो से ए बी की होल पावर एन प्लस 1, ठीक है, समीकरण दो से। सिमिलरली यहाँ लगाए ना उसी प्रकार, और यहाँ पे ए बी की होल पावर एन और बी ए, ये संक्रिया अपन लगा ही नहीं रहे, इनके बीच में कोई संक्रिया नहीं, इसका मतलब है मानना है कि संक्रिया है, ये मैं कितनी बार बता चुका, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर एन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको दोनों की पावर जोड़ेंगे एन प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये वाम निरसन नियम से बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच क्या जाएगा, बी ए बराबर ए बी, ठीक है, ये बच गया बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो। और ये जो आया है ये क्या आया है, ये किसकी कंडीशन है, एबेलियन ग्रुप की कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जी एक आबेली ग्रुप है, ठीक है, अतः जी, अतः जी एक एबेलियन एबेलियन ग्रुप है, अतः जी एक एबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी की पिछले एग्जाम में पूछा गया था और बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है ये एग्जाम की दृष्टि से अभी पूछा जाए और इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। सो ये ट्राई करना है, समझना है इसको अच्छे से। अब हम देखते हैं
किसी अवयव की पूर्णांक घात, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी पूर्णांक घात के बारे में, किसी अवयव की पूर्णांक घात। किसी अवयव की पूर्णांक घात, ठीक है, किसी अवयव की पूर्णांक घात, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। तो यहां पे किसी अवयव की पूर्णांक घात या इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, किसी ग्रुप जी स्टार या ग्रुप जी स्टार के किसी अवयव ए की पूर्णांक घात को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे ग्रुप जी स्टार में किसी अवयव में ग्रुप जी स्टार में किसी अवयव ए की पूर्णांक घात को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। पहला कैसे करते हैं, अगर किसी अवयव जो ए ले रखे, कोई भी अवयव है ये जी का, अगर उस अवयव की घात जीरो होगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। अगर घात जीरो है तो अपन मानेंगे आइडेंटिटी, जहां आइडेंटिटी, जहां ई बराबर, जहां ई क्या है, बराबर ग्रुप जी का तत्समक अवयव, का तत्समक अवयव, ठीक है, जहां ई बराबर ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है कि ए की पावर एन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है ए स्टार
डॉट 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 स्टार ए एन बार, ये कितनी बार आ रहा है ए, यहाँ पे एन बार, ठीक है। जहाँ एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी धन, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसका मीनिंग क्या है, एन किस में बिलोंग कर रहा है, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, जहाँ एन एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ऐसे ही तीन है, कि एक की पावर वन बराबर क्या होगा एक, और एक की पावर एन प्लस वन बराबर क्या होगा एक की पावर एन, और एक की पावर वन। अब यहाँ बीच में आपको क्या समझना है, जैसे इन दोनों के बीच में एक की पावर एन और एक के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो अपने को ये नहीं समझना कि इनके बीच में संक्रिया नहीं लग रही, संक्रिया लग रही है बट गायब है, दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे संक्रिया लगा देते हैं तो ये संक्रिया दिख रही है, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि अब आप फाइनल ईयर में हो स्टूडेंट, तो जो मैथमेटिशियन इसको प्रूफ किया है वो समझते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना, ये मल्टीप्लाई है, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों गुणा हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है इनके बीच में, ये प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, अभी जस्ट क्या है, एक संक्रिया है, क्या है, अभी जस्ट संक्रिया है। जहाँ पे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ही बात है, जेड प्लस कहो, जेड प्लस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी वन टू ये ही बचेंगे, और ये सब किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सभी एन्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या होता है, इफ ए की पावर माइनस एन, तो इसके बराबर क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं इसके बराबर, ए की पावर माइनस वन की होल पावर एन, ठीक है। अपन ने जब छोटे थे 8वीं 9वीं क्लास में तो अपन पढ़े थे कि घात के ऊपर घात हो, पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो क्या गुणा हो जाती है, पावर गुणा हो जाती है, तो यहाँ पावर माइनस के ऊपर, माइनस वन के ऊपर एन है, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा ना, तो वो ये है ही, ठीक है। तो ऐसे क्या, ये भी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, और एक ग्रुप में और भी प्रॉपर्टी चलती है, जैसे ए की पावर एन है स्टार ए की पावर एम है, तो इनको क्या लिखेंगे, ए की पावर एन प्लस एम, और ए की पावर एम स्टार ए की पावर एन, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, जहाँ पे फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर हो, कैसे भी इंटीजर हो। एक चीज और, जैसे अगर मान लीजिए इसकी जगह एक की पावर एन बराबर क्या होता है, ये तो मान लीजिए एक हुआ नोट, ये दूसरा मैं लिखाता हूँ,
ए स्टार ए कितनी बार है? एन बार। अब मान लीजिए ये यहाँ पे स्टार जो आ रहा है ये प्लस है, क्या है? प्लस है। अगर प्लस हुआ यहाँ पे तो देखिएगा क्या आएगा, ठीक है, ये ए है तो एन बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन टाइम्स ए, ए कितनी बार आ रहा है? एन बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ये आ गया। तो ये प्लस के लिए इस टाइप से संक्रिया होती है, ठीक है। अगर माइनस हो तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे माइनस हो कि माइनस वन इस टाइप से, तो यह अभी क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो ये तो हो गया घात कैसे लगाते हैं। अब है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कि किसी अवयव की, ग्रुप की किसी अवयव की कोटि क्या होती है, तो वो देखते हैं। आइए चलो, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। तो ये इसका इंग्लिश में मतलब हुआ, ठीक है। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, तो ये समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं, जैसे किसी ग्रुप में जी है और उसमें अवयव क्या क्या है, वन और माइनस वन, ये दो अवयव है इसमें, और ये गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ इसमें, ई बराबर क्या हो गया, वन, ठीक है, और ई का इनवर्स क्या है, ये माइनस वन। तो यहाँ पे कोई भी जैसे माइनस वन है, देखना ध्यान से, इसकी पावर अगर दो कर दी जाए तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, दोबारा ध्यान से सुना, आइडेंटिटी के अलावा ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी छोटी से छोटी ऐसी घात, छोटी से छोटी घात जो उन पर लगाने से आइडेंटिटी आ जाए। अब दो लगाने से भी आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन माइनस वन के ऊपर चार लगाएंगे तो भी आइडेंटिटी आएगा, लेकिन छोटी से छोटी वह घात जो उस अवयव के ऊपर लगाने से आइडेंटिटी मिलता हो, क्या आता हो, आइडेंटिटी आता हो, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये क्या हुआ, दो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ माइनस वन, यानी जो माइनस वन अवयव है उसकी घात क्या है,
उसका ऑर्डर क्या है, सॉरी उसका ऑर्डर क्या है, उसकी घात, उसकी छोटी से छोटी घात। लेकिन चार नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी से छोटी घात ही उसका ऑर्डर होती है। तो चार तो छोटी छोटी है नहीं, चार से छोटी तो दो है, दो भी मिल रहा है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, एक ग्रुप का एक आइडेंटिटी, तत्समक अवयव ही एक ऐसा अवयव होता है जिसकी कोटि एक होती है। किसी भी ग्रुप के तत्समक अवयव की कोटि एक होती है, केवल एक कोटि का अवयव केवल तत्समक अवयव ही होता है, उसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई दूसरा मिलता नहीं है। तो इसकी परिभाषा देखिए, सबसे पहले यदि ग्रुप जी स्टार के किसी अवयव ए की कोटि, यदि किसी ग्रुप के किसी अवयव, यदि किसी ग्रुप, यदि ग्रुप के किसी अवयव ए की कोटि, यदि ग्रुप के किसी अवयव ए की कोटि, या इसको ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखते हैं, यदि ग्रुप के एक अवयव, ग्रुप के अवयव ए की कोटि, ग्रुप के अवयव ए की कोटि, कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, अवयव ए की कोटि, वह छोटी से, वह छोटी से छोटी धनात्मक, वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक n, वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक n क्या है, n n को कहते हैं, n को कहते हैं यदि यदि इस धनात्मक पूर्णांक, यदि इस धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व, अस्तित्व इस प्रकार, इस प्रकार हो कि a की पावर n बराबर आइडेंटिटी हो, यदि इस धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व, अस्तित्व इस प्रकार हो कि a की पावर n बराबर आइडेंटिटी। अब मान लीजिए ग्रुप g में 1 और माइनस 1 ये ले रहे थे, ठीक है, गुणन संक्रिया उसमें थी, उसके लिए ये ग्रुप था, तो मैं a बराबर माइनस 1 ले रहा हूँ, तो a की पावर n बराबर आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 1 की पावर 2 बराबर आइडेंटिटी आ रही है ना, 1 2 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 2 या a स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या हो गया, a की जो a अवयव है, a क्या है, माइनस 1, जो a अवयव है यहाँ पे वो क्या है, माइनस 1 है यहाँ पे,
और इसकी पावर कितनी है, घात 2 है। तो यहाँ पे एलिमेंट ए की ए का ऑर्डर कितना है, 2, क्योंकि 2 क्या है, यहाँ पे छोटी से छोटी वह संख्या है जो इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, अवयव एक को, एक की कोटि क्या है, एन, क्योंकि एन एक की, क्योंकि एन इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रही है, एन के लिए ये प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही है। और एन क्या है, यहाँ पे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, उससे छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक मिलेगा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे जो ये एन है, अगर इससे, ये एन है इससे छोटा अगर कोई धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है, तो हम उस छोटे से छोटे धनात्मक, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ एन से छोटी धनात्मक पूर्णांक मिलेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे -1 कम से कम इसकी पावर 2 लगाएंगे तब जाके 1 आएगा, 4 लगाएंगे तो भी आ जाएगा, और 6 लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये तो सब 2 से बड़े हैं ना, छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक तो 2 ही होगी, इसलिए 2 को इसका, इसकी कोटि कहते हैं -1 की। और अगर किसी अवयव के लिए छोटी से छोटी धनात्मक संख्या n, धनात्मक पूर्णांक n नहीं मिले, एग्जिस्ट ही नहीं करे, उसका अस्तित्व ही न हो, तो उसकी कोटि अनंत होगी, उस अवयव की कोटि। ठीक है, तो इसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ ओ एफ ए, ऑर्डर ऑफ बराबर एन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे परिभाषा में अपन इसका इन जनरल एक अवयव ए का ऑर्डर एन लेके चल रहे हैं। यदि यदि किसी अवयव ए के लिए, यदि किसी अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए कोई छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक, छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक एन, यदि किसी अवयव ए बिलोंग्स टू जी जी एन ग्रुप का एलिमेंट के लिए कोई छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक एन का अस्तित्व नहीं हो, का अस्तित्व नहीं हो, तो अवयव एक की कोटि, एक की कोटि अनंत होगी। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं दैट इज, यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर अनंत होगा, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। ये अलग केस है, ये क्या है, ये अलग बात है और ये एक अलग बात है। ठीक है, ये तो परिभाषा है इसकी, इसकी ठीक है, और ये है कि अगर कोई n मिले ही नहीं, छोटे से छोटा n, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, अब एक 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 से भी नहीं आ रहा, 2 से भी नहीं आ रहा, 3 से भी, किसी से भी नहीं आ रहा, और
मान लीजिए माइनस अपन ले नहीं सकते क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक मिल नहीं रहा, उसका अस्तित्व नहीं हो, उसका अस्तित्व नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, फिर एक ही बात कह सकते हैं कि इस अवयव का जिसके लिए छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा उस अवयव की कोटि अनंत होगी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि किसी भी, यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये नोट में लिख लीजिए और आगे थ्योरम भी है कि ग्रुप का चाहे कोई भी एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी इज ए ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जी जी ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, लेस देन इक्वल एन, इस परिभाषा से, इस परिभाषा से कि अगर इफ ए की पावर एन बराबर ई, अगर कोई एन मिल रहा है कि उसकी पावर एन लगाने से आइडेंटिटी मिल रहा है, इस टाइप का एन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एन मिल ही नहीं रहा ना, इस कंडीशन में एन मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए की पावर एन करने से आइडेंटिटी मिल रहा है, तो उस कंडीशन में एन या एन से छोटा ही उसकी कोटि होगी, एन या एन से छोटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल एन होगा, क्योंकि एन क्या है, या तो छोटे से छोटा एलिमेंट एन होगा, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, या तो फिर इससे कोई छोटा होगा, क्योंकि इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस पे अपने को आइडेंटिटी मिल रही है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जी बराबर 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। और ये किसके लिए ग्रुप है, ये भी गुणांशन क्रिया के लिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या गुणांशन क्रिया को डॉट से। ठीक है, दोनों में से कोई एक चिन्ह लिख लेना सिंबल। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ 1 बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ -1 बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी सॉरी आयोटा बराबर क्या होगा, और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा बराबर क्या होगा। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले किसी भी ग्रुप की अपन चर्चा करें, उसके अवयव की कोटि के बारे में चर्चा करें, तो हमको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे E बराबर क्या है, ग्रुप G के लिए 1 है। ठीक है, क्या है, ग्रुप जी का तत्समक अवयव ए है, 1 है सॉरी, ग्रुप जी का तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है कि ग्रुप जी का तत्समक अवयव 1 है यहाँ पे। अब बात करेंगे कि 1 की कितनी घात लगाए कि इसकी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी क्या है, 1 ना, ये है, तो 1 के बराबर आ जाए, तो इसकी घात 1 लगाने पे भी ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 1, और 1 क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, इसकी घात को ही तो कोटि बोलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ, ये तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि ए की पावर 1 लगाने से आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है, तो ये जो घात है, पावर है, उसको ही तो 1 की
क्योंकि वन का ही निकाल रहे हैं ना, तो इसकी पावर भी वन ही है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस वन की घात कितनी लगाए कि आइडेंटिटी कितनी है, यहाँ पे ये है ना, ये क्या है आइडेंटिटी कि वन आ जाए, तो वन लगाने पे क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा, दो लगाने पे वन आ जाएगा, तो इसकी कोटि दो हो गई। ऐसे आयोटा की मान लीजिए, आयोटा ले लिए यहाँ पे, क्या ले लिए, आयोटा, तो आयोटा की एक घात लगाएंगे नहीं आएगा, दो लगाएंगे एक में तो क्या होता है, आयोटा की मान होता है माइनस वन, दो में क्या हो जाएगा माइनस वन, तीन में माइनस आयोटा आ जाएगा, और चार में आ जाएगा वन, तो इसके लिए भी चार और इसके लिए भी चार ही होगा। तो ऑर्डर ऑफ वन, एलिमेंट वन का ऑर्डर कितना है इस ग्रुप में, वन, और माइनस वन का टू, आयोटा का फोर, और माइनस आयोटा का भी फोर, क्योंकि माइनस आयोटा की पावर वन करेंगे तो भी वन नहीं आएगा, दो वन करेंगे तो भी ये वन नहीं आएगा, दो करेंगे तब भी नहीं आएगा, तीन करेंगे तब भी नहीं आएगा, और फाइनली चार कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी से छोटी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है जिनसे आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कल चर्चा करेंगे इनकी थ्योरम्स के बारे में, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, थ्योरम्स है कोटि से रिलेटेड, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे क्या है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लेक्चर देखिए, आप लेक्चर देख नहीं रहे हो तो बहुत बुरा नुकसान होगा, और लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम के नज़दीक देखोगे तो उस टाइम पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और एक साथ ये ऐसे इसके रिजल्ट है कि वो एक साथ समझ में आएंगे नहीं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा देखें उसको, वॉच करें। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।